Right. जिंदगी की यात्रा में वी ऑफन फाइंड आवर सेल्व डिफाइंड एंड लिमिटेड बाय अवर पास्ट और देखिए अक्सर हम पाते हैं कि हमारा अतीत जो है हमें निर्धारित करता है या फिर हमें परिभाषित करता है

And the emotions that surrounded the child's birth. You see, now, see, when John the Baptist was born. You know an angel of the Lord came and told that you shall name him John. Are you following me church? Even when Jesus was born, his name was not found from some internet or some

िसन वेरी केयरफुली आप चाहते कि बड़े ध्यान से आप सुने बिकॉज एस यू लिसन क्योंकि जैसे आप सुनते हैं गॉड इज अबाउट टू ब्रेक सर्टन थिंग लाइफ नॉट ऑफ गॉड परमेश्वर ऐसी कुछ खास चीजों को आपकी जिंदगी में तोड़ने जा रहा है जो परमेश्वर से नहीं है Today we want to learn how to separate our identity from past afflictions, from past traumas. और आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी पहचान को जो है पीते समय के जो भी पीड़ाएं या फिर जो सदमे हमको मिले उससे अलग किए जा सकते हैं हेलो आई मी चर्च टुडे इन दिस वे यू लर्न टू वॉक इन गॉड्स पर्पसिस और इस तरह से आप परमेश्वर के उद्देश्य में चलना सीख जाएंगे Now, Jabez was more honorable than his brothers. And his mother called his name Jabez. Why? She said, Because I bore this child in pain.

पीड़ा यही तो याबेस नाम का मतलब है शी एसोसिएटेड हर सन विद द पेन द ट्रॉमा द हार्डशिप्स दैट शी वाज गोइंग थ्रू ड्यूरिंग व्हेन ही वाज बोर्न और जब याबेस का जन्म हुआ तब जन्म देते समय जिस तरह के दर्द से सदमे से हालातों में से उसकी मां गुजरी उसी से परिभाषित होकर उसने अपने बेटे को नाम दिया ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ जबेस कैरीड अ लेबल पेन सॉरो अपने पूरे जीवन भर याबेस ने जो अपने माथे पर एक लेबल दर्द इसी को लेकर चला Just imagine his mother calling out, और और जरा कल्पना करें उसकी माँ उसे बुला रही है। दर्द हो। लोग इस बात से अच्छे से वाकिफ थे कि इस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए सिर्फ दुख दर्द और पीड़ा को हिलाया है Some years back, कुछ साल पहले आई मेट मुलाकात हुई एक आदमी से, और उनके परिवार से

अच्छी खासी एकदम कामयाब लड़की थी वो शी सेज व्हेन शी वाज बोर्न उसने से कहा कि जब इसका जन्म हुआ ओह वी वेंट थ्रू हेल बहुत पनवती आई बहुत बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में बहुत ऐसा हुआ इसके पैर ठीक नहीं थे इसके यूज द वर्ड चरण इसके चरण हमारे लिए अच्छे नहीं थे हाउ स्पेन एक्चुअली आई जस्ट केप्ट माय माउथ शट बहुत दर्द हुआ सुन के मुंह बंद रखे ना And then he looks at his daughter, who was a little bubbly and chubbly, and you know, you know what I mean. You know. Hello. And uh, he looks at her. And he says, When this girl came, everything changed in my life. Hello. I saw the elder daughter's face. She was trying to smile through what her father said.

This is how it is. You sometimes you know it, sometimes you don't know it. कभी कभी आपको पता होता है और कभी कभी आप नहीं जानते यू कैरी दिस लेबल इन द स्पिरिट ऑल थ्रू योर लाइफ एंड यू वॉन्ट वाइट थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू आप अपनी पूरी जिंदगी भर आत्मा में इस लेबल को लिए चलते हैं और आप हैरानी में सोचते रहते हैं कि क्यों चीजें हो नहीं रही टूडे दो आर गोइंग टू बी वॉश्ड Clean by the blood of Jesus. Lift your hands and say, Blood of Jesus. के के say, say, Blood of Jesus. Erase every negative label over my life in the name of Jesus. Lift your hands, your voices, and say it seven times. Come on, begin to say it right now. <laughs> say, blood of Jesus, erase every negative prophecy, negative label over my life in the name of Jesus. Begin to pray. Begin to pray. What your father named you, what your mother named you, what the people in the area named you.

डेड वाह wow, क्या नाम है डैड लेकिन पता नहीं किस गुड सुनने में अच्छा लगता है बट यू कैरिंग दिज लेबल लेकिन आप इस लेबल को लिए चलते हैं बट जबे डिड नॉट अलाउ हिज नेम टू डिफाइन हिस्सा

एयरलाइन शी वाज कैबिन क्रू और एक लड़की आई थी जो कैबिन क्रू थी वो एयरलाइन में काम करती थी वेरी गुड लुकिंग बड़ी अच्छी खासी दिखने वाली पॉलिश्ड द पास्टर केम एंड से पैसिव प्रे फॉर हर शी इज नॉट गेटिंग अ लाइफ पार्टनर ओके पासवान आकर कहने लगी कि पासवान जी इनके लिए प्रार्थना करो इसे जीवन साथी नहीं मिल रहा I said, "What's the problem? She's qualified. She's she has a house and she drives a car in those days. Okay. Us, un dinome. Very, very humble, prayerful.

We checked it out. <laughs> and in that, that name, that Portugal, the Portuguese name, it was ugly. Ugly swan. What is that? Ugly swan. So every time you're calling out a name, you are saying, ugly swan, come here. Ugly swan, come here. Ugly swan, come here. So in the spirit. <laughs> Hello? Listen very carefully. That's why. <laughs>

Lift your hand and पेश करता है कि आपके माता पिता ने जो भी आपके पास नाम दिया है उन नामों के आगे परमेश्वर को फैला सकता है Pursuing me from my father's and mother's side. Be cut off in Jesus' name. Lift your both your hands and begin to pray 12 times right now. Any evil powers pursuing me from my mother's and father's side be uprooted by fire. Lady, open your mouth and pray loudly right now. Raise your voice, raise your voice raise your voice raise your voice raise your voice don't write it down you raise your voice any evil powers pursuing me from my mother's side from my father's side be cut off be cut off be cut off in the name of Jesus begin to pray begin to pray pray loudly as you can your destiny is changing

Small. You started insignificant, but God is going to increase you and expand you. Somebody lift your hand and shout the biggest hallelujah of Sunday this morning in the name of Jesus. Lift your hands and say, Though my beginning was small, yet my latter end shall increase abundantly.

इसको कालू क्यों बोलते हैं बोले अभी तक समझ में नहीं आया इसको कालू क्यों बोलते हैं हेलो एंड वी इंडियंस आर गुड एट गिविंग नेम्स भारतीय लोग जो है दूसरों को नाम देने में बहुत ही माहिर हैं यू कम टू कुरला यू विल फाइंड बेटर पीपल हेलो आर यू लेसिंग चर्च आई टेल यू वी हैड नेम्स नेम्स यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऐसे से नाम जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वन अंकल वाज कॉल्ड कोलिया

One fellow had a big stomach. They called him Potia. <laughs> the poor guy was dieting and everything he did. No, seriously, man. He used to go jogging. He had no stomach. But still, that name was Potia. He <laughs> must have found it very difficult to lose weight. I'm making you laugh.

you know, some people call their children moti, mota, you know, something like that. and as long as that they're calling the names, that girl is she she's trying to do everything. she stopped sugar. she stopped eating only, you know. still, still not losing weight. first chronicle 723. then his wife conceived and bore a son and he's called his name baraya, meaning in evil.

And Manasseh, और याकूब ने प्रेम और मनुष्य दोनों का चाइल्ड और देखिए मुसीबत आई परिवार में और ठीक उसी समय बच्चा जन्म लेता है ग्रीटिंग द लाइफ एक्सेप्टिंग एंड ऑनरिंग दट लाइफ दे घर्स दैट लाइफ और देखिए वो जीवन जो उनके पास आ उसका अभिवादन करने के बजाय उसको अपनाने के बजाय उसका जश्न मनाने के बजाय उस पर वो श्राप बोलते हैं अलाउड इफ एलाउड दैट वाज देयर इन हिज लाइफ टू ओवर हिज सन

शायद हो सकता है आप नुकसान में से गए गॉन थ्रू फेन इन योर फैमिली आप अपने परिवार में रिलेशनशिप ब्रेकअप इन योर फैमिली आपके परिवार में संबंध और रिश्तों में कुछ टूटने वाले कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में आया बट यू नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट लेकिन आप उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं यू नॉट विलिंग टू रिसीव इट आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है मेनी टाइम्स वी ओनली लुक टू वॉट एज नॉट है जो अच्छाई प्रभु देता है हमको उसे हम कभी देखते नहीं है जो नहीं हुआ है उसके पीछे ताकते रहते हैं ये नहीं देखते कि प्रभु ने जिंदा रखा है ये नहीं देखते कि यू नो क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं हमारे बच्चों पर हमारे परिवार में वो नहीं देखते बोलो एक जो चीज रुकी हुई है एक दो चीज रुकी हुई है उस पर हमारा ध्यान है और सारी जो चीजें हैं हमारे जीवन में उसी को वो फिल्टर से हम उसको देखते हैं सडनली वी से गॉड

ने अपने आपको नाम दिया मैं घर छोड़ना चाहती हमने सिंगर यू गिव योर नेम मैं शादी तोड़ने वाली हूं यू सी नेम्स यू गिव टू योर मैरिज यू गिव टू योर हाउस देखिए ये वो सारे नाम है जो आप अपनी शादी पर देते हैं आप अपने घर पर बोलते हैं कलमिटी प्रॉब्लम ट्रेजिडी

He forgot that he carried the blessing. और वो भूल गया था कि वो आशीष को लिए हुए हैं. He forgot that God had blessed him. वो भूल गया कि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था. But God never forgets. ये परमेश्वर कभी नहीं भूलता. He took this very same son. इसी बेटे को वो लेता है. And blessed him so much. और बहुत ज़्यादा उसे आशीष देता है. That his lineage grew. Ephraim became a huge tribe. कि उसके वंशावली इब्राहिम बहुत बड़ा गोत्र बन जाता है हालेलुया

Today, God will have mercy on you. I want you to go through this message and learn from what the Holy Spirit is saying. Genesis 35 and verse 18. And so it was as Rachel's soul was departing, for she died, that she called her son's name Benoni, but his father called him Benjamin.

बोले नहीं ये मेरा दुख का बेटा नहीं है ये मेरा राइट हैंड वाला बेटा है इमेजिन इस वाइफ वो बिचारी गुजर रही है लेकिन ये आदमी बीच में आता है कहता कहते तो मेरा बेटा दुख का बेटा नहीं रहेगा मेरी बेटी पनवती नहीं रहेगी मेरी बेटी आशीर्वादित रहेगी <laughs> जहां पर उसके पैर जाएंगे वहां पर सफलता आएगी खमौन प्रोफेसर चिल्ड्रेन बच्चों के

I decree and declare as you intercede for your family, God will raise up kings and queens in your home. Oh, receive right now. If you have no children, God can give you children. Receive. I believe God is going to budge something big in your family. The point is, you complain, you don't pray. I want to tell you, see how. ओ माय गुडनेस दिस इज अमेजिंग हिज वाइफ इज डाइंग देखिए उसकी पत्नी मर रही है जेकब वाज अ मैन ऑफ फेथ देखिए याकूब विश्वास वाला व्यक्ति था उसकी पत्नी मर रही है उसने अग्री नहीं किया बोले नहीं मर रही तो क्या हुआ चली जा तू प्रभु के पास चली जा लेकिन मेरे बेटा जो है दुख का बेटा दुख की बेटी नहीं कहलाएंगे हालेलुया टुडे आई वांट टू गिव यू होमवर्क आज आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं

मुंह से क्या बोल रहा है हाथ रख रहा है क्या बोल रहा है तू यार तू है ना बहुत बड़ा नाला क्या इधर आ इधर आ इधर आ मुंह से बोल रहा है कुछ और कर काम कर रहा है कुछ तू ना एकदम बरेला पास्टर ने आता प्रेयर कर रहा है डोंट स्पीक लाइक दैट यू डोंट प्रोफेसाई व्हाट यू कैन सी यू प्रोफेसाई द अनसीन

I hope this is blessing you. First Samuel chapter 4, verse 21. Then she named the child Ichabod. Ichabod, saying, The glory has departed from Israel because the ark of God has been captured, and because her father in law Eli was and her husband was dead.

the glory of god has departed. the testimony team came usually. they will read and they said, a person received a job after seven months. you heard that testimony? yes. now imagine that i don't know who's that person. imagine that person looking at his degrees and saying, god has departed.

परमेश्वर ने मेरी सुनी नहीं परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया एक अबाउट मीटिंग के बाद नहीं बोलना एंड गॉड इज सेइंग वो परमेश्वर कह रहा है डोंट स्पीक व्हाट यू सी जो तुम देखते हो वो मत बोलो स्पीक व्हाट आई हैव सेड वो बोलो जो मैंने कहा है गॉड विल नेवर लीव यू परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं यस ही स्टेप्स अ लिटिल बैकवर्ड सम टाइम्स बिकॉज़ ऑफ व्हाट वी डू ऑल द नॉनसेंस वी but the lord is always with us यहां कभी-कभी अपने पा पीछे ले लेता है क्योंकि सब बेतुका चीजें हम करते हैं इस वजह से लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है हमें बचाने के लिए यू नो लास्ट वेडनेसडे पिछले बुधवार यू नो इट्स सो इट वाज सो हॉट ऑन द फर्स्ट डे पहला दिन बहुत ही गर्मी थी वहां एंड आई नेक्स्ट डे हैड थ्री सर्विसेज और अगले दिन तीन सभाएं थी थ्री सर्विसेज आई got up in the morning dragged myself out of bed अपने आप को देखिए एकदम Spring, I was feeling tired. I was fasting. Because so many people. And I said, God, and I heard the Lord say, Son, you will shine for my glory. And my body was saying something. I don't feel his presence. I don't feel that anointing when I like was service. And the Lord says, just do it. प्रभु ने कहा नो फैन नो एसी नथिंग बंका एसी कुछ नहीं था नो no नेटवर्क कोई नेटवर्क अरे कुछ नहीं चलता वहां पे गांव में पूरा विंस स्टैंड ओवर देयर यू मूव योर हैंड और आप अपने हाथ ऐसे लहराते हैं इट्स अ होली स्पिरिट प्लीज दे डोंट अंडरस्टैंड यू और वो आपको समझते नहीं यू टेल देम आप उनसे कहे यहां मैं महाराष्ट्र का कौन है यहां पे महाराष्ट्र के कौन है

The Lord is with you. प्रभु आपके साथ है. The Lord goes with you. प्रभु आपके साथ जाता है. You are unfaithful, but God is always faithful. हले आप अभी विश्वासियों के ठहरे लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वासियों के रहता है. अरे सर, हमारी विश्वास योग्यता से अगर परमेश्वर हमारे साथ चले ना. तो प्रभु हमारे साथ कभी नहीं चले चलेगा वो विश्वासु है इसीलिए हमारे साथ चलता है लिफ्ट यू हैंड एंड से लॉर्ड अपने हाथ का प्रभु यू आर विथ मी तू मेरे साथ है You are with me. No matter what has happened in the past, no matter what has happened in the past you are with me. i thank you, jesus. lift your hands and begin to pray right now. god is saying to you, begin to pray right now. god is saying to you, do not remember the former things. nor consider the things of the old. behold, i do a new thing. and it shall spring forth. Uh, shall you not know? i will make a road. In the wilderness, hallelujah, and the rivers in the desert. Lift your hands and say, I receive this word right now. Ask the Lord to forgive you, ask the Lord to forgive you in the name of Jesus. Begin to pray. This is a word for you Isaiah 43 18 19. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाने जा जो हुआ था। उसे भूल आगे बढ़ो। प्रभु। hand, अगर तू मेरे हाथ थामता है आई नो are होल्डिंग my हैंड मैं जाता तू मेरे हाथ थामे हुए आई एम रेडी O God। मैं तैयार हूँ प्रभु थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु